अजीत पवार खेमे ने एक प्रेस नोट जारी करके, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कहा है कि इस मीटिंग का कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। अजीत पवार कैंप ने कहा कि मामला अब इलेक्शन कमीशन के समक्ष है, तो जो भी यहां पर हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज सुबह शरद पवार ने यहां पर नेशनल एग्जीक्यूटिव की अपनी मीटिंग बुलाई थी, 3 बजे वो मीटिंग शुरू हुई। सुप्रिया सुले समेत कई बड़े नेता एनसीपी के इस मीटिंग में शामिल हैं, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग चल रही है इसमें कवायद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार समेत कई नेताओं को, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसी को भागते हुए अजीत पवार के खेमे ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि 30 तारीख को ही अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, शरद पवार को हटा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी पेटिशन है कि किस कौन एनसीपी असली एनसीपी है, इसलिए इस मीटिंग का किसी कार्यकर्ता पर कोई असर नहीं होगा, इसका फैसला मान्य नहीं होगा। हमारे सहयोगी सुनील सिंह और राजीव रंजन जो इस वक्त, सुनील सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं, राजीव इस वक्त दिल्ली में हैं, लगातार इस मीटिंग पर नजर रखे हुए हैं। सुनील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये जो पूरी लड़ाई है उस पर अजीत पवार के खेमे ने एक बार फिर से अपना दावा ठोकते हुए कहा है, वहीं शरद पवार का खेमा कह रहा है कि 30 तारीख की मीटिंग थी वो अवैध है, वो अमान्य है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज भेजने की कोशिश हो रही है कि किसका हाथ भारी है? बिल्कुल अंकित, देखिए लड़ाई बहुत ही कांटे की है और कानूनी लड़ाई भी बहुत ही पेच में, उसके पेच फंसे हुए हैं। लेकिन आज सुबह हम छगन भुजबल से मिले थे, उनसे जब यही सवाल पूछा गया था कि शरद पवार आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ले रहे हैं, हैं तो वो वैध है या अवैध है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कहने वाला मैं या तुम नहीं है, कहने वाला जो है अब वो ECI है, यानी इलेक्शन कमीशन, अब उस पर जो भी है अपना संज्ञान लेगा, वो स्पष्ट करेगा। लेकिन हमने अपनी पार्टी बदल ली है और पूरी तैयारी हमने कानूनी रूप से की है। उन्होंने एक और बड़ी बात बताई कि ये जो परिवर्तन हुआ है इसमें जो है कि इसकी पूरी तैयारी पहले से हो चुकी थी, 30 जून को पूरा खाका तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसके पहले ही जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, शिवसेना में जो बगावत हुई थी एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन पे, उसके बाद से ही जो फैसला आया था वो, और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया था, उन सभी फैसलों का, उसकी सुनवाई का पूरा अध्ययन किया गया, कानूनी जानकारों से पूरी राय ली गई, और उस राय लेने के बाद ही महीने दो महीने में ये पूरी तैयारी की गई है। तो हमने भी जो भी तैयारी की है फुल प्रूफ की है, तो हम और हमारे पास 42 जो है लोग विधायकों के रो हमारे साथ है, और हमने जी सुनील, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सोहित, ये जो प्रेस नोट अजीत पवार कैंप से आया है, जाहिर सी बात है शरद पवार कैंप कहेगा कि इस प्रेस नोट का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कोर्ट की तरफ भी बढ़ने की ऐसी तैयारी बताई जा रही है दोनों तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो आज शरद पवार पहुंचे हैं अंकित, वहां पर वो जो वकील है उनसे भी बात करने वाले हैं, लीगल स्टैंड लेने वाले हैं, और ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही, ये जो मामला है ये अदालत में तो जाएगा ही। लेकिन देखिए आप शब्दों को देखिए, क्या क्या कहा गया है अजीत पवार की ओर से। ये वही अजीत पवार हैं जो कल शरद पवार को दैवत यानी अपना देवता कह रहे थे। उनका कहना है कि शरद पवार की ओर से बुलाई गई जो बैठक है वो इलीगल है। उनका कहना है कि अजीत पवार खुद प्रेसिडेंट है, शरद पवार प्रेसिडेंट नहीं है, और जो भी आज फैसला लिया जाएगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, यानी उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, और किसी के पास भी अधिकार नहीं है इस तरह की बैठक बुलाने का, और जो NCP किसकी है, ये जो पूरा मामला है ये चुनाव आयोग में है। तो उन्होंने एक तो अपने आप को तो अध्यक्ष बता ही दिया, साथ ही साथ कहा है कि आप कोई भी फैसला करें वो मान्य नहीं होगा, साथ ही साथ चुनाव आयोग फैसला करेगा, इसलिए ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ जहाँ शरद पवार, और इसकी टाइमिंग देखिए अंकित, कुछ मिनटों में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके ठीक पहले ये जो प्रेस नोट आया है उससे आप समझ लें कि चीज़ें कैसी हैं, हालात क्या हैं, और किस तरह से, किस तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो दोनों जो पवार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर नजर आ रहे हैं, आमने सामने खड़े हुए हैं, और उसी के चलते ये प्रेस नोट ऐसे टाइम पे निकाला गया है जब शरद पवार अपनी बैठक खत्म करके मीटिंग करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के पास तो ये पहुंच ही रहा है, लेकिन उस पूरे बैठक को इलीगल कहना, आपके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा, आप अध्यक्ष नहीं हैं मैं अध्यक्ष हूँ, इससे बताता है कि ये जो पूरा मामला है कितना बढ़ चुका है, और ये केवल चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर से ज़्यादा ये पारिवारिक और एक पर्सनल मामला तो है ही,
और एनसीपी किसकी होगी, इसी को लेकर यह पूरा झगड़ा अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा। जी सोहित, बने रहिए हमारे साथ, व्यक्तिगत होता जा रहा है पूरा मामला। मैं पहले भी ये बात कह रहा था आपसे, 2 तारीख को भी सुप्रिया सुले का अगर आप बयान देखेंगे तब भी वो कह रही थी, देखिए उनका राह अलग हो सकती है पर मेरे भाई हैं और हम परिवार जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बिल्कुल 2 दिन बाद अजीत पवार जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रिया सुले कहती है कि मेरे पिता तक ना जाएं, तो कुल मिलाकर अब बड़ा व्यक्तिगत ये पूरा मामला हो गया है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद पवार के घर के अंदर हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। राजीव, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शरद पवार कुछ देर में अपनी बात जरूर रखेंगे ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग की क्या औचित्य था, क्यों दिल्ली में आके ये मीटिंग उन्हें करनी पड़ी, और ये जो अब अजीत पवार कैंप से चिट्ठी सामने आई है इसका भी जवाब स्वाभाविक है कि शरद पवार देंगे आके? बिल्कुल, थोड़ी देर बाद शरद पवार खुद यहां पर सामने आएंगे और देख सकते हैं कि सामने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साफ तौर पर बताया कि शरद पवार जो है सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शरद पवार के घर पर कई सारे समर्थक आए हैं, आखिर उनका क्या कहना इस बारे में बैठक हुई है, आप क्या कहते हैं? हमारा कहना है जी, जो महाराष्ट्र में जो गंदा खेल हुआ है ना, और जो अजीत पवार ने ऐसा काम किया है, शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपा है, महाराष्ट्र के अंदर है, अगर चाहिए गद्दारी में किसी का उदाहरण दिया जाएगा तो अजीत पवार और ये प्रफुल्ल पटेल का दिया जाएगा। शरद पवार के बगैर एनसीपी शरद पवार है, शरद पवार थी और शरद पवार के साथ रहेगी। आपका क्या कहना है? राम विश के साथ रहेंगे, शरद पवार के साथ रहेंगे, बढ़िया पार्टी है, बढ़िया आदमी है और समझदार आदमी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो समर्थक जो बात कह रहे हैं इनकी बातों में दम भी है। आप देखिए कि अजीत पवार के पास भले ही विधायकों का पाला हो, नंबर गेम में भले हो जीत रहे, लेकिन पार्टी किसकी है इसका फैसला कम से कम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसके बाद चीजें निकल के आएगी। शरद पवार सारे सवालों का जवाब देंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर आपके पास विधायकों का समर्थन है तो इसका ये नहीं है कि पार्टी पर आपका कब्जा है, पार्टी किसका है इसका फैसला जो है पार्टी के पदाधिकारी जो बैठ कर इस बिल बैठ कर फैसला करेंगे कि पार्टी का नाम किसके पास रहेगा, निशान किसके पास रहेगा, तीन सारे सवालों का जवाब शरद पवार देंगे। और ये मजे हुए राजनीतिक है तो उनके पास सारे सवालों का जवाब होगा। और सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार ये बात को कह चुके हैं कि इस लड़ाई को वो जनता के बीच लेके जाएंगे, भले उनके पास नाम हो या निशान ना हो, लेकिन जनता के बीच लेके जाएंगे और असली लड़ाई जो है वो जनता के बीच ही लड़ेंगे। राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शरद पवार 82 साल के नेता जरूर हैं, पूरे समय मतलब उन नेताओं में से हैं, उस जनरेशन में से हैं जो 24 घंटे राजनीति सोचते हैं और राजनीति करते हैं, तो उनको इस बात का बिल्कुल इल्म है कि अदालतों में जो होगा वो एक अलग बात है, लड़ाई असली किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनेता के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ने की होती है। और शायद यही फर्क है, जब शिवसेना टूटी थी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे, उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इतने तेजी से या इतनी आक्रामकता से जमीन पर नहीं उतरे जितना शरद पवार कह रहे हैं। 82 साल के हो गए लेकिन कह रहे हैं कल से पूरे महाराष्ट्र के टूर पर निकल जाएंगे। इस बीच जो भी एनसीपी में हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर काफी व्यापक पैमाने पर पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा असर और खलबली जो है कहीं देखने को मिल रही है एनसीपी के अलावा वो है शिवसेना में, जो एकनाथ शिंदे का जो कैंप है। लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर विधायक हैं, उनको लग रहा है कि भाई इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं का नाम लेके अजीत पवार को पानी पी पी के गाली देने के बाद हम शिवसेना से टूट कर, उद्धव ठाकरे से टूट कर सरकार में आए थे, अब जब अजीत पवार अपने 40 लोगों को उनका दावा है लेकर आ जाएंगे, 9 लोगों के कैबिनेट में भर्ती हो जाएंगे, तो उनके लिए जनता के बीच में और साथ ही साथ ये जो बंदरबांट होगा कैबिनेट का और आगे जाके लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें उनके लिए पहले अगर आधी रोटी हिस्से में आने वाली थी तो अब 1/4 रोटी हिस्से में आएगी। तो ये सब चीजों पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। ये सब जो हुआ है, जो अजीत दादा ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है वही देश को आगे ले जा सकता है। मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, हमारे भारत को महासत्ता की ओर ले जा सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। और
हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गए, उन्होंने विकास को साथ दिया है। पिछले साल में इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है इस राज्य में कि वो अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है और विकास को हम साथ दे रहे और राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते, अजीत दादा के भी वही विचार है, तो इसीलिए वो साथ में आए हैं। तो ये एकनाथ शिंदे थे, कह रहे थे देखिए अजीत पवार प्रभावित होकर आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये बात पता है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, जो उनकी ताकत थी इस पूरी सरकार को चलाने में, उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त मेरे सहयोगी राजीव रंजन के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इस वक्त शरद पवार के घर के अंदर हैं। राजीव, मैं अगर आप दोनों के पास रुक करूँ तो आप इस चर्चा को लेकर कि छह मात का खेल अलग है, जमीन पे उतरने का खेल अलग है, कहीं ना कहीं शिवसेना की जो लीडरशिप है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनमें और शरद पवार में फर्क ये दिखता है कि किस तरीके से शरद पवार जानते हैं, समझते हैं कि राजनीतिक लड़ाई सड़क पे लड़नी होगी, कानून अदालत सिंबल वो सब अलग बात है। बाबा, ये जो लड़ाई है आप कैसे देखते हैं, खासतौर से शिवसेना में भी टूट हुआ और अब एनसीपी में भी टूट हुआ है, तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो लड़ाई लड़ी, शरद पवार कैसे आप देखते हैं कि दोनों में क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो शरद पवार साहब ने बुलाई है, इस मीटिंग में दो वैकेंसीज हुई हैं, वो वैकेंसी जो है पहले उसकी घोषणा वो करेंगे आके कि वो कौन से दो लोग हैं जो जिनको उसमें शामिल किया गया है। एक तो प्रफुल्ल पटेल की जगह खाली हुई है, एक तटकरे साहब जो हैं उनकी जगह खाली हुई, तो वो दो नए लोग आएंगे। और दूसरी बात जो पवार साहब ने कही है कि अगली लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़ी जाएगी, और हमें बताया गया कि कल से ही शरद पवार जो है अपना दौरा शुरू करने वाले हैं। तो जब अब जो ये जंग जो है आपको आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में लड़ी जाएगी, लोग अभी भी जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसका इस बात पे डिबेट जरूर है कि विधायक किसके पास है, संख्या किसके पास है, लेकिन पार्टी किसके पास है इस पे डिपेंड करेगा। पवार साहब को मालूम है कि एक लंबी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई, और चुनाव आयोग में ये लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन असली लड़ाई जो है जनता के बीच में जाके होगी, और जिसके जो है शरद पवार माहिर खिलाड़ी हैं और वो वही करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब लड़ाई जो है जनता के बीच में होगी। बिल्कुल, तो जनता के बीच में लड़ाई लड़नी होगी, और राजनीति जो है वो ताकत जनता के से ही आती है। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि अभी एक साल का समय समझ लीजिए बच गया है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, और एक साल से कम समय है, 8 महीने का सही करीब समय है लोकसभा चुनाव के लिए भी, तो दोनों में अब जनता के बीच में वापस जाकर ये तय होगा कि असली एनसीपी कौन, क्या चाचा भतीजे की इस लड़ाई में किसको जनता का समर्थन है। सोहित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सोहित ने आज सुबह शिंदे कैंप के लोगों से बात भी की। सोहित, चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, पर उनकी जो कुर्सी की ताकत थी, हमने देखा कि किस तरीके से वो बीच बीच में एड निकलवा के अपने आप को देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पॉपुलर बताते थे, वो सारी चीजें जो हैं वो अब कम हो जाएंगी। चलिए, मुझे बताया गया है कि सोहित जो हमारे सहयोगी हैं उनसे संपर्क टूट गया है, तो कोशिश करेंगे कि सोहित के पास दोबारा चलें। महाराष्ट्र पर हमारी नज़र बनी हुई है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शरद पवार शुरू करेंगे।